क्या करना चाह रहे हैं बंदे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम आ चुके हैं एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस, इस मैच के अंदर ना एक ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब मैं अचानक से बंदे को देख लेता हूँ और अचानक से उसको मार देता हूँ। सीन ऐसा होता है ना कि मैं उस बंदे का पीछा कर रहा होता हूँ पीछे से, अब वो पता नहीं कहाँ से अचानक से पूरा गायब हो जाता है, ठीक है। अब वो मेरे को अचानक से मतलब पीछे से फायर करने लगता है, ठीक है। लेकिन मैं तुरंत उस पर एम एडजस्ट कर लेता हूँ और उसको तुरंत मार देता हूँ। तो ये बहुत ही एक खतरनाक सी चीज़ें होगी, अब आगे देखना आपको मज़ा आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो आप वीडियो आगे देखो। तो उसी के साथ हम बढ़ते हैं गेम प्ले की तरफ। तो फिलहाल तो मैं उतर रहा हूँ पोचिंग के में, तो आगे देखो। तो इस जगह पे लैंड करते ही सबसे पहली जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो चाहिए कि एक गन चाहिए मेरे को, ठीक है। और वो गन मेरे को मिल भी जाती है M16, जो कि काम चलाओ गन है, उसको लेके मैं फिर आगे रश कर देता हूँ। गन मिला मेरे को शॉटगन। सर आपको चाय पिला दी हमने तो। ओह माय गॉड। तो पहले तो यहाँ पे मैं इसके टीममेट को नॉक करता हूँ। इसके टीममेट को नॉक करने के बाद उसको ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि इसका टीममेट उसको बचाने आए, ठीक है। क्योंकि उसका टीममेट फिर बोलेगा ना, भाई आजा यार, प्लीज़ बचा ले, प्लीज़ बचा ले। तो यहाँ पे वही सीन चल रहा था, इसका टीममेट चिल्ला रहा होगा भाई आजा बचा ले बचा ले। तो उसका टीममेट भी जोश में आके हम पे रश करने लगता है, लेकिन उसको मैं रास्ते में ही पकड़ लेता हूँ। तो इसी के साथ दोनों की पेटी बन चुकी है, अब दोनों जा चुके हैं लॉबी में और हम बढ़ते हैं गेम प्ले में आगे की तरफ। तो चलो, तो पोचिंगे में सिर्फ वही एक टीम आई होती है जिनको तो हमने मार चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मासूम से बॉट रहते हैं जिनको भी हमने मार दिया है। अब उसके बाद पोचिंग की पूरा क्लियर हो चुका है क्योंकि और तो कोई आया है नहीं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, US लेके आगे एनिमी की तलाश में निकल पड़ता हूँ। तो देखते हैं क्या मेरे को एनिमी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जब मैं यहाँ पे स्कूल के बाजू से गुजर रहा था तो मेरे को यहाँ पे गन साउंड की आवाज़ आती है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उस गन बंदे ने मतलब जानबूझ के गन चलाई थी या फिर गलती से चल गई, बट गन तो चली, ठीक है। तो मेरे को पता चल जाता है कि स्कूल में तो बंदे हैं। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी रोक देते हैं और फिर इन पे रश करने की कोशिश करेंगे। ऊपर अंदर किया ना, तो इस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया। इसको नॉक करने के बाद इसका जो टीममेट रहता है ना, वो हम लोग के साथ पकड़न पकड़ाई खेलने वाला है, ठीक है। तो अब देखो मैं उसको कैसे मतलब पकड़ूंगा, ठीक है। तो आखिरकार मैंने इस बंदे को पकड़ लिया है। इसको पकड़ने के बाद इसकी पेटी पूरी पकड़ के चमका दी, ठीक है। अब ये दूसरे लॉबी में जाके खेलेगा दूसरा मैच और हम इस मैच में बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत रश करते हैं, मुझे मजा बड़ा आता है। तुम तो कैंपर को मार के अलग ही स्टेटस करते हो। तो यहाँ पे इन लोग को लूटने के बाद जब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, एनर्जी ड्रिंक पी रहा था, तो मेरा टीममेट गया था छत पे। जब वो छत पे गया तो उसको स्कूल अपार्टमेंट की तरफ से कोई मतलब डंडा करने लगता है, ठीक है। तो मेरे टीममेट को जो है गोली पड़ चुकी है। अब मेरे को पता चल चुका है कि स्कूल अपार्टमेंट में एनिमी है, तो हम उन पे अब रश करने वाले हैं। तो आगे देखो। दूसरा देखना कहीं और ना, एक तो कंफर्म है ऊपर लेटा हुआ छत, उसको तो मैं नेड़ मार दूंगा। उसको जरा उसको तो इसकी ऐसी की तैसी एक नेड़ करने को ना, देखो
तो ये भैया मेरे को पीछे से वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने इनको दंड दे दिया, ठीक है। तो खैर जो भी हो, इसको तो नॉक कर दिया, अब इसके टीममेट की बारी। तो इसी के साथ ये टीम पूरी खत्म हो जाती है। अब ये बेचारा बंदा इसको इसके टीममेट को बचाने के लिए आ तो रहा था, लेकिन ये बचा नहीं पाता, बेचारा की खुद की पेटी बन जाती है। तो दोनों की पेटी तो बन चुकी है, अब दोनों लॉबी में जाके दोनों एक साथ दूसरा मैच खेलेंगे, ठीक है। तो खैर जो भी हो, मैं यहाँ पे जब लूट रहा होता हूँ तो तब मेरे को पता चलता है कि सामने में और भी टीम है, तो फिर उनसे देखो कैसे फाइट लेंगे। तो यार ये सामने वाला बंदा बेशर्मों की तरह बॉट मार रहा था, लेकिन मैंने उसको तभी पकड़ लिया और उसको नॉक कर दिया। तभी क्या होता है कि उसका टीममेट भी वहीं पे सांप बन के लेट लेट के उसको रिवाइव देने जाता है, और मैं नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा नेट हवा में ही फट जाता है। तो फिर मैं रश करता हूँ आगे, देखो कौन डरता है भाई, सब चोड़ में रहते। अबे अबे यार मुझे लगा इधर क्या हो गया, तो थोड़ी देर पहले ही मेरा टीममेट यहाँ पे चौड़ वोड़ की बातें करने लगता है, ठीक है। तभी क्या होता है कि एनिमी उसको पकड़ के नॉक कर देता है, तभी मेरा टीममेट जो है पूरा ठंडा हो जाता है, समझ रहे हो गाइस। तो फिर मैं अपने टीममेट के पीछे में हाथ लगा देता हूँ, तब जाके मेरा टीममेट जो है पूरा रिवाइव सा हो जाता है, समझ रहे हो गाइस। तो फिर अपार्टमेंट वाले बंदों से फाइट लेने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ ड्रॉप के पास, ताकि मैं ड्रॉप की वेपन ले पाऊँ, ठीक है। तो मैं ड्रॉप की वेपन जब लेने के लिए उतरता हूँ और जब देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही चमत्कारी वेपन मिलती है, जो कि मैं नहीं लेता। और तभी मेरे को क्या होता है कि कहीं से फायरिंग भी होने लगती है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं गाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ से तुरंत पहली फुर्सत में निकलने की कोशिश करता हूँ। तभी क्या होता है कि मेरे दिमाग में आइडिया आता है, मैं सोचता हूँ कि घर की तरफ ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं बंदे को मार सकूँगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे घरों में आ जाता हूँ, तभी क्या होता है कि ये बंदे की बगी की आवाज भी आ जाती है मेरे को, मतलब ये बंदा हम पे रश करता है, लेकिन बेचारे के साथ बहुत बुरा होता है, रश तो कर नहीं पाता, इसका रश पूरा गलत हो जाता है, ठीक है, रश गॉन रॉन्ग। तो इसी के साथ इसकी पेटी भी चमक चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी बहुत इसको लूटने के बाद फिर हम आगे की तरफ निकल लेते हैं। तो जब मैं उस बंदे को मार के आगे की तरफ निकल रहा होता हूँ, तभी मेरे को एक यूएस दिखती है, ठीक है। तो यूएस के पीछे मैं अपनी बग्गी तो जरूर लगाता हूँ, लेकिन ये यूएस हम लोग को बार बार गोल 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 घुमा रही थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को बहुत दिमाग खराब हो जाता है, मैं गाड़ी से कूद जाता हूँ और इन लोग को मारने लगता हूँ। और इसी के साथ इन दोनों को तो मैंने मार दिया। और अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आया तो एक लाइक कर दो, ठीक है। लाइक देने में क्या जाता है गाइस, है ना, लाइक मार दो इस चीज़ के लिए अगर आपको पसंद आया तो। और फिर मैं गाड़ी लेके आगे की तरफ निकल लेता हूँ।
तो जब मैं आगे जाता हूँ अपनी बग्गी लेके, तो मेरे को एक और यूएस दिखती है जिसका मैं पीछा करने लगता हूँ। ठीक है, तो देखो इनसे हम कैसे फाइट लेंगे। तो जब मैं यहाँ पे आ गया अपनी बगी रोकता हूँ, तो ये बंदा मेरे सामने एकदम अचानक से आ जाता है और मेरी एकदम से पूरी फट से जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे मैंने इसको भर दिया और उसके बाद मैंने इसको फिनिश भी कर दिया, क्योंकि मेरा दिमाग हो जाता है खराब। अब मैं इसके टीममेट की तरफ रश करूंगा। तो ये आखिरी वाला बंदा अपने आप को बचाने के लिए पूरा पीछे की तरफ निकल रहा था, मतलब पहली फुर्सत में निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसको रास्ते में ही पकड़ के पेटी इसकी चमका दिया। अब ये जा चुका है लॉबी। और यार, अगर आप लोग ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ ना, तो फाइट ले लिया करो, क्या पता आप मार पाओ सामने वाले को, है ना। मतलब ऐसे भाग के फायदा नहीं है, मतलब उसने क्या पता ट्राई किया होता, तो क्या पता हम दोनों को मार दिया होता, है ना। तो यार ट्राई किया करो। तो खैर जो भी हो, ये दोनों तो मर चुके हैं और यहाँ पे जोन तो है नहीं, तो मैं जोन की तरफ यहाँ से निकलने लगता हूँ। फिर तो यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि लाइक जब हम पहाड़ी पे गए थे, तो मेरे को यहाँ से मतलब पहाड़ी से ये बंदे दिख गए थे। तो मेरे टीममेट ने तो नॉक किया भी था, लेकिन जब मैं यहाँ पे रश करता हूँ तो वो बंदा रिवाइव हो गया था। और यहाँ पे मैं नेट फेंकने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे नेट से वो मरते नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि एक बंदा नीचे कूद जाता है, तो उसको तो मार देता हूँ। उसके बाद जो लास्ट वाला बंदा रहता है, उसको जब मैं मार रहा होता हूँ, तो पता नहीं क्या एम बिगड़ सा जाता है। तो खैर उसको मेरे टीममेट ने मार दिया, और इसी के साथ ये डुओ मर चुकी है। अब बाकी है आखिरी बंदा, जो कि एक बंदा नहीं होने वाला। ठीक है, अब आगे देखो, आपको समझ में आएगा। भाई मुझे कसम से लगता है मैं मारता नहीं उसको, पता मेरी फट रही थी, मुझे लग जाएगा एक बार, पता नहीं। तो ये आखिरी वाला बंदा एक बॉट था या बंदा था वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने इसको मार दिया। उसके बाद हमें चिकन डिनर मिल जाता है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और चैनल पे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।